Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. नमस्कार, आप देख रहे हैं मौजे स्टोरी। मैं हूं मदन लाल। इस वक्त मैं सफदरजंग हॉस्पिटल में हूं, जहां पे जूनियर डॉक्टर हड़ताल पे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि 100 हफ्ते में 110 घंटा ड्यूटी करना पड़ रहा है, जिसके कारण उनकी नींद पूरा नहीं हो रहा और वो बड़े परेशान हैं। और परेशानी का कारण यह है कि सरकार, जो कि नेट का एग्ज़ाम जो हुआ था उसकी जो रिजल्ट जल्दी आना था वो नहीं आया, किसी कारण वो अब कोर्ट में चले गए हैं स्टूडेंट। और वो 6 जनवरी को कोर्ट से फैसला आएगा कि नेट का एग्ज़ाम, उसके बाद काउंसलिंग होगा कि कैसे, मतलब बहुत सारे इसमें प्रॉब्लम होगा। इस कारण जो सफदरजंग के जूनियर डॉक्टर हैं सब हड़ताल कर रहे हैं, और उसके कारण जो मरीज हैं वो बेचारे इधर से उधर भटक रहे हैं और उनका कोई नहीं इलाज करने वाला है। तो हमारे आप पीछे देख सकते हैं, ये बहुत सारे जो लोग हैं बैठे हैं, जो ये मरीज़ हैं, ये सफदरजंग में आए हैं इलाज कराने के लिए, पर इनका इलाज नहीं हो पा रहा कि इसलिए कि डॉक्टर हड़ताल पे हैं। तो कुछ मैं मरीजों से बात करूंगा और कुछ मैं यहाँ जो बैठे हैं उनसे बात करूंगा, आखिर क्या क्या ये दिक्कत हो रहा है इसके बारे में। आप लोग कहाँ से आए हो? नारायणा। तो आज आए तो हॉस्पिटल में क्या बोला? क्या बोला बताना? डॉक्टरों की हड़ताल चल रही है, तो आप एक हफ्ते बाद आ जाना, तब हम इनकी दवा वगैरह वो चालू करेंगे, क्योंकि उनकी हालत खराब। मैंने ऐसे ही बोला कि आप एक हफ्ते बाद और खून टेस्ट वगैरह लिख दिया, रोज़ खून टेस्ट कराते हैं, खून में जान शरीर में जान है, रोज़ खून टेस्ट करवाते हैं। कम से कम एक महीने से ही ऐसे दौड़ा रहे हैं, अंदर बार करा रहे हैं। इमरजेंसी ओपीडी पुलिस इमरजेंसी 3 महीने से आप लोग आ रहे हो और डॉक्टर नहीं देख रहा? डॉक्टर ढंग से नहीं देख रहे हैं, भाग दौड़ करा रहे हैं। इमरजेंसी में बोले कि सर जान का भर्ती कर लो, कुछ भी जो भी है आपके हाथ में करो दवा, कम से कम हाथ पर तो चला, क्योंकि वो भी नहीं कर रहे हैं। तो जितने डॉक्टर आज हड़ताल पे हैं, आज सब हड़ताल, होनी थी रेडियोथेरेपी होनी थी, सर का सिकाई होना था, आज उसके लिए बुलाया था, तो आज हम गए, उसके लिए भी डॉक्टरों की स्ट्राइक चल रही है। उन्होंने बोला कि परसों हम गए थे, बोला आज आ जाना, बोला कल आ जाना, परसों आ जाना, ऐसे बुला रहे, पर कोई सुनवाई नहीं, नहीं कोई सुनवाई नहीं रहा। आज का इनका कैंसर का लास्ट स्टेज आ गया है। इनका पहले स्टेज 1 कब आया, 2 कब आया, 3 कब आया, ये सब कुछ पता नहीं चला। इनका कैंसर का लास्ट स्टेज आ गया, तब जाके हमें पता चला है। डॉक्टर ने बहुत लापरवाही की इनके ट्रीटमेंट में। और दूसरा, जब लास्ट स्टेज आ गया तो डॉक्टर ने बोला इनको अर्जेंट ट्रीटमेंट की जरूरत है, हमें इन्हें एडमिट करना पड़ेगा, बट पता नहीं कि वो एडमिट नहीं कर रहे। उन्होंने हमें 2-3 हॉस्पिटल के नाम भी बताए, जैसे कि दिल्ली इंस्टीट्यूट करके कैंसर का है, वहाँ ले जाओ। तो हम वहाँ ले गए तो उन्होंने एडमिट नहीं किया, उन्होंने सिंपल बोला आपका पेशेंट यहाँ का है तो हम क्यों एडमिट कर रहे हैं, तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। कितना चक्कर आप लोग मारते हो यहाँ पे? रोज चक्कर मारते हैं। डॉक्टर नहीं छू रहा है इनका, इलाज नहीं कर रहा, डॉक्टर नहीं कर रहा, और इनका वो भी नहीं कर रहा, उनको एडमिट तक नहीं कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। कल डॉक्टर ने बोला था इनको एडमिट करेंगे, तब इनकी हालत थोड़ी बहुत ठीक ठाक थी, लेकिन जैसे ही इनकी हालत और नाजुक होती है डॉक्टर कह रहे हैं हम एडमिट नहीं करेंगे। पता नहीं कि डॉक्टर अपने बातों से ट्विस्ट करते जा रहे हैं, कभी कह रहे हड़ताल है, कभी ये है, कभी वो है, तो कुछ ना कुछ करके इनको ट्विस्ट करते जा रहा है और अपनी बातों से ही घूम रहा है और इनको घुमा रहा है इधर से उधर। बोला अर्जेंट ट्रीटमेंट की जरूरत है, लेकिन पता नहीं कि अर्जेंट ट्रीटमेंट दे क्यों नहीं रहा डॉक्टर। तो आप लोग रोज आते हो, किस से आते हो? और ये इनकी बेटी है? हाँ, इनका बेटी है, लड़का है, इनका हस्बैंड जो बाहर है। पैसे की बड़ी दिक्कत होगा? बहुत ज्यादा दिक्कत है सर। तो ये है जो मरीज हैं, इलाज कराने सफदरजंग हॉस्पिटल में आए हैं, मगर आज डॉक्टरों का हड़ताल है, इसलिए ये लोग इधर उधर भटक रहे हैं, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर कैमरा अलाउड नहीं है, मगर मैं किसी तरह चुपके कर रहा हूँ। मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि हमारी डॉक्टर की इतनी लापरवाही है, उसके वजह से मरीज दर दर भटक रहे हैं। तो और मैं डॉक्टर से भी बात करने का कोशिश करूँगा। इनका कितने दिन से इलाज चल रहा था? सर 3 महीने से इलाज चल रहा है। और कोई ऐसा डॉक्टर आगे पीछे ऐसा रोज रोज बुलाते रहते हैं और कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। कोई ध्यान नहीं दे रहा ना। अब पहले तो चल के आती थी, अब तो बिल्कुल चल नहीं पा रही, ना बोल पा रही, हाथ भी सूझ है, पूरा हाथ ऐसा हो गया, पैर भी ऐसा हो गया, उठ भी नहीं पा रही है। छोटे छोटे उसके बच्चे हैं सर, वो कोई नहीं उसके है आगे पीछे। क्या नाम है इनका? इनका सायरा है। कहाँ से आती है? नारायणा से। नारायणा से आती है? हाँ जी।
इनके हस्बैंड कहाँ रहते हैं? इनके हस्बैंड बाहर रहते हैं सर। तो आप मतलब आते हो इनको लेकर रोज? हम आते हैं कभी कभी, हम रोज नहीं आ पाते क्योंकि हमारा भी दिक्कत है। तो अभी क्या हॉस्पिटल में क्या डॉक्टर सब हड़ताल पे? हाँ अभी हड़ताल पे हैं, अब कल भी बुलाए हैं कि आ जाना, बाकी वे हो सुनते नहीं हैं, करते नहीं हैं। हम बोले कि मतलब हमारे भर लोग भर्ती ले लो इमरजेंसी में, उसमें भी नहीं ले रहे हैं, इधर उधर भगा रहे हैं उसको बच्चा समझ के, अब गार्जियन है नहीं उसको कोई। कहाँ से आए आप? यूपी। यूपी से? अच्छा तो आप सत्यजंग में आए इलाज कराने? हाँ। तो अभी क्या प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पर? प्रॉब्लम क्या है डॉक्टर, जो स्ट्राइक है वो यही प्रॉब्लम है थोड़ी बहुत। अच्छा स्ट्राइक पे है तो इससे प्रॉपर दवा नहीं हो पा रहा है? हाँ वो डॉक्टर जैसे नहीं मिल पा रहे हैं, तो ये छोटे जैसे डॉक्टर हैं वो वगैरह देख रहे हैं। अच्छा छोटे छोटे डॉक्टर देख रहे हैं जैसा भी उन सब काम। क्या बीमारी हुआ आपको? मुझे तो नहीं, प्रिय बच्चा था। हाँ क्या है? ये बुखार आया था। अच्छा बुखार आया, कितने दिन से? ये जो है इसका जो आईसीयू में लमसम 19 दिन आईसीयू में रहा, इसको जो है ये है नली वगैरह भी डाली इसको, फिर उसके बाद में घर भेज दिया, फिर दोबारा बुलाया तो ये सही हुआ, परसों दिखाया अभी। परसों दिखाने के बाद में फिर कल फिर ऐसा दिखाया इसकी जो फिर नली वली जो है ना ये अंदर पड़ी हुई टूट जो वो भी निकाल दी रात, फिर ये सब बोलना चालना नहीं आता था तो ये सब बोलवाया अभी, अब तो खैर ठीक है पहले। और तकलीफ हो रहा डॉक्टर के न बैठने से? अब ऐसी तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अधिकतर आईसीयू में ज़्यादा जो है जैसा जो देख लेते हैं, क्योंकि ओपीडी में तो हम जा थोड़ी नहीं रहे हैं इस तरह। ओपीडी वाले जो जैसा जो पेशेंट है उनके लिए परेशानी हो आप जो सर से बात कर लीजिए, ओपीडी वाले को पता नहीं होता। अली अहमद जी कहाँ से आए आप? नोएडा से। नोएडा से तो इलाज के लिए आए सफदरजंग? है अभी इलाज तो नहीं हो रहा, हल्का फुल्का इलाज हुआ है, स्किन सिटी स्कैन हुआ है और सुबह ही आए हम लोग। तो डॉक्टर नहीं बैठे हैं? अभी डॉक्टर नहीं है। नहीं डॉक्टर नहीं। अच्छा क्या हुआ है? बाइक से एक्सीडेंट हुआ। तो डॉक्टर ना आने के कारण तकलीफ हो रहा है? हाँ तकलीफ हो रहा है, सीरियस में है। सीरियस है? क्या नाम आपका? हमारा नाम मणिकांत राय हुआ। अच्छा मणिकांत जी बताइए सफदरजंग हॉस्पिटल में क्या यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रहा है? यहाँ पे अभी सारे डॉक्टर स्ट्राइक पे हैं, क्योंकि जीआर और एसआर का काउंसलिंग रुका हुआ है और उन लोगों का जो फर्स्ट ईयर में है वो अभी फर्स्ट ईयर में ही है, जो सेकेंड ईयर में है वो सेकेंड ईयर में ही है, अभी आगे प्रमोशन नहीं हो पा रहा उन लोगों का, इसलिए अभी स्ट्राइक चल रहा है। इसलिए धरना प्रदर्शन? हाँ धरना प्रदर्शन हो रहा है और पेशेंट सब इधर उधर बैठे हुए हैं। तो कुछ तो बोल रहे हैं कि हमें 110 घंटा ड्यूटी करना पड़ रहा है, ऐसा भी है? हाँ ऐसा भी है, डॉक्टर ऐसा भी है कि 110 घंटा उनको ड्यूटी भी करना पड़ रहा है, रेस्ट भी नहीं मिल पाता उन लोगों को, लगातार लगे रहते हैं। आप एमआर हैं? हाँ हम एमआर हैं। आप तो रोज डॉक्टर से संपर्क में? हाँ हम लोग मिलते हैं डेली। तो हमारे पीछे आप देख सकते हैं बहुत सारे जो ये मरीज लोग हैं सफदरजंग में, अभी भी ये डॉक्टर के इंतजार कर रहे हैं और इलाज कराने के लिए बैठे हैं, और मैं इन लोगों से बात किया, आपने देखा होगा। बने रहिए मोजो स्टोरी के साथ, मैं हूं मदन लाल। इट्स ग्रेट टू सी यू हियर, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वर्क। इफ यू हैवंट सब्सक्राइब येट, डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकॉन एंड सब्सक्राइब टू मोजो स्टोरी एंड सपोर्ट इंडिपेंडेंट रोबस्ट जर्नलिज्म।